यूँ तो आगरा में आगरा का नाम रोशन करने वालों की कमी नहीं, जहां नववर्ष के दिन आगरा का नाम रोशन करने वाले युवा खिलाड़ी गैंगस्टर विकास दुबे में शहीद हुए पुलिस जवानों के लिए आगरा का खिलाड़ी वीरू शर्मा दौड़ 1 जनवरी को लगाएगा। प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और कहा कि आगरा के एकता चौकी से लेकर हरि पर्वत और हरि पर्वत से लेकर पुलिस लाइन तक दौड़ लगाएगा और दौड़ लगाकर शहीद हुए पुलिस कर्मियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। मैं प्रवीण पंडित, गोरक्षा क्रांति से प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा सभा से प्रदेश मंत्री, आज सभी समस्त मीडिया बंधुओं का बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और एक वीरू शर्मा राष्ट्रीय खिलाड़ी छोटा भाई है अपना, तो उसकी आवाज़ को आपने उठाने का काम किया। वीरू शर्मा जो कानपुर में जो विकास हुए कांड हुआ था, उसी में जो जवान हमारे सिपाही शहीद हुए थे उन्हीं की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उसी के उपलक्ष्य में वीरू शर्मा अपने यहाँ से कैरी से और हरि पर्वत तक रेस का आयोजन रखा गया है। इसी उपलक्ष्य में आप सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ बुलाया गया है, जिससे कि वीरू शर्मा राष्ट्रीय खिलाड़ी हर किसी शहीदों के सम्मान में और या किसी प्रकार की हल्के प्रकार की कोई समस्या होती है उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे वीरू शर्मा राष्ट्रीय खिलाड़ी को आप आगे बढ़ाने का काम करें, यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आप लोगों। मैं वीरू शर्मा नेशनल प्लेयर हूँ, मैं एक एथलीट था, मैं मैराथन करता था मैं और कल्याण से अवार्ड ले चुका हूँ और प्रधानमंत्री मोदी से ले चुका हूँ, अखिलेश यादव से ले चुका हूँ। मैं हर साल दौड़ता रहता हूँ, कौशल रावत खत्म होती है में मैं दौड़ा था। ये विकास दुबे कानपुर में 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे, उनकी स्मृति में मैं दौड़ रहा हूँ 1 जनवरी को पुलिस चौकी एकता से हरि पर्वत लेकर पुलिस लाइन तक संवाद करूँगा। मैं सभी मीडियाजनों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना बामूल समय निकाला। आपको विदित हो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम खिलाड़ी की आवाज़ राष्ट्र के जवानों के लिए, देश के जवानों के लिए और सामाजिक मुद्दे हैं अपने क्षेत्र के, उनकी आवाज़ों को उठाने का काम है। खिलाड़ी ने इससे पहले भी दौड़ प्रतियोगिता की थी, संपूर्ण आगरा का भ्रमण किया था तिरंगा झंडा लेकर के, उसी के आधार पर उसी तरीके से द्वारा से 1 जनवरी को संपूर्ण आगरा का भ्रमण करेंगे और आपके कैरी में कौशल रावत जी के निवास पे उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, उस पर पुष्पमाला अर्पित करेंगे। और इसके अलावा जो विकास कांड हुआ था उनका वो भी उद्देश्य है इसी के साथ में कि उस उद्देश्य को लेकर के संपूर्ण आगरा में भ्रमण करेंगे। और इसके अलावा हमारे क्षेत्र की जो भी जनता है, समस्या है, परेशानी है, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहते हैं। थाने चौकी या उनकी पर्सनली समस्याएं व्यक्तिगत हों वो भी उनके साथ में साझा करते हैं और कंधा मिलाकर के उनके साथ रहते हैं। इस तरीके के लोगों का आगे बढ़ना समाज सेवा जरूरी है और आप सब लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी आवाज़ को राष्ट्र के हित में उठाते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।